नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रुक रुक कर दो दिन से लगातार हो रही बरसात ने पूरा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि दो दिन से हो रही बरसात के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इसके चलते शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीती रात सेक्टर 21 सी इलाके में इसी बरसाती पानी के चलते एक बाइक सवार युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित कौर फरीदाबाद के सेक्टर 16 सर्किट हाउस के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरसाती पानी में नाव चलाई। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नेता जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और खुद अपने घरों और दफ्तरों में बैठकर चाय समोसे और पकौड़े खा रहे हैं। आने वाले समय में जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। वहीं इस मौके पर सेक्टर 16 की रहने वाली एक महिला ने बताया कि बरसात में लोग बरसात के मौसम का मज़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि सड़क पर हुए जलभराव के चलते यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इससे निकलने वाले लोग लगातार हादसे का शिकार होते हैं। इसी के चलते वे बरसाती मौसम में अपने घरों में कैद रहते हैं और नेचुरल तरीके से इस पानी के सूख जाने का इंतज़ार करते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। देन 15 years एंड ये आप अभी तो खड़े हो पा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना पानी होता है कि स्टिल द थाइस यहाँ तक आमने सामने में कितनी बार देखा है, कोई कुछ ना कुछ, कोई साइकिल वाला गिर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। अभी तो आप बता रहे हो एक डेथ के बारे में, मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ, अनरिपोर्टेड डेथ केसेस या फिर इंजरी केसेस या फिर जो गाड़ियों का नुकसान रहता है यहाँ पे, इस पे अनगिनत है। हर बार आप कुछ भी ले जाओगे 100% होगा। लोग एज अ लोकल रेजिडेंट, मुझे हमारे घर में पानी, बिजली, अब दूध, आपका न्यूज़पेपर, सब कुछ कुछ भी नहीं आएगा। हर कोई डरता है यहाँ आने से क्योंकि यहाँ पर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं निकलने वाला। एंड यहाँ पर रात को कोई लाइट नहीं रहती, देर इज़ नो प्रोविजन। हम दो तीन दिन अंदर ही घर में रहते हैं क्योंकि हम वेट करते कि और नेचुरली निकल जाएगा पानी, तो बारिश का तो मज़ा कम ही लेते हैं। बारिश की आती तो हम ज़्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं, अब ना तो बाहर निकल पाएंगे ना अंदर निकल पाएंगे, हम मज़े तो नहीं ले सकते, हम सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा यही एक अवसर है एक आवाज़ उठाने का, प्लीज़ देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? आपके द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैंने प्रयास किया, पिछले साल भी प्रयास किया था। हम यूपी से 700 किलोमीटर दूर से नाव ट्रक में लेके आते हैं। हम इस नाव को चलाए सोई गूंगी भरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस फरीदाबाद की हालत आप देख रहे हैं, एक दिन की बारिश में क्या हाल हो चुका है, गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की मेरी नंबर प्लेट तक उखड़ चुकी है। ये सभी चीज़ों पर आज हम बात करें, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे दाल हो, हर चीज़ में ये सरकार फेल है। अपने जो उन्होंने प्रोमिस किए थे बिफोर इलेक्शन 2014, उन सभी में फेल हैं। जुमलेबाज वाली सरकार है। तो इस बीजेपी में इस आपके माध्यम से बीजेपी सरकार के सभी नेताओं को चेतावनी देने आया हूं कि इस व्यथा को सुधार करें, अधिकारियों के साथ काम पर निकलें, घरों में चाय पकौड़े और समोसे खाना बंद कर दें, जनता हित की सोच नहीं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। हमारे जैसे लोग, लोकल परमानेंट लोग आ चुके हैं सड़कों पर और अब वो दिन दूर नहीं, अगले चुनावों में चाहे आप जाति धर्मों के नाम पर बहकाना, चाहे किसी नाम पर, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। और ये प्रयास मैं तो करता है और आगे भी करता रहूँगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।